Hello everyone, I'm Sushma Thakur, your law educator at Charakya Clerk Classes as well as Charakya Judicial Academy. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक 7 के एनालिसिस को. तो चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो पैसेज है, पैसेज दैट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 22. तो आर्टिकल 22 से रिलेटेड है ये पैसेज, राइट. तो ये बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में. तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो किया जाता है वो ऑफेंस होने से पहले किया जाता है, ताकि उस ऑफेंडर को ऑफेंस होने देने से प्रिवेंट करवाया जा सके, ताकि वो बाद में ऑफेंस ना कर पाए. ये होता है कि जब वो प्लानिंग कर रहा होता है किसी ऑफेंस को करने के लिए, तो अगर पुलिस को खबर लग जाती है तो वो प्रिवेंट करवाने के लिए उस ऑफेंडर को क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है. तो बेसिकली यही चीज बात की गई है. और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, तो ये किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उस पर्सन को पनिश करने के लिए, क्योंकि उसने अभी ऑफेंस कर चुका होता है वो पर्सन, राइट. तो इसी से रिलेटेड है. अब ये भी बता दिया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस, फॉरन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसी से रिलेटेड है. और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो हमारे पास जो आर्टिकल 22 है वो हमें राइट देता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उस पर्सन को विदिन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर के और उसकी अटेंडेंस दिलवानी होती है कि इस पर्सन को स्वयं सो कॉज के लिए हमने अरेस्ट कर लिया है, राइट. लेकिन अगर कोई पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा अगर उसको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो उसको ये प्रोविजन का लाभ उठाने नहीं दिया जाता है. इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56. मिस्टर फनी बोन इज ए फेमस पॉलिटिशियन हु इज नोन टू गिव राउजिंग स्पीचेस. ही टेल्स हिज सपोर्टर्स, दिस कंट्री डज नॉट हैव इनफ फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स. कम विद मी, आई विल गिव यू अ न्यू स्टेट वेयर यू विल हैव ए न्यू आइसक्रीम फ्लेवर एवरी डे ऑफ द ईयर. फनी बोन इज इमीडिएटली अरेस्टेड एंड चैलेंजेस हिज अरेस्ट. यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक कोई पर्सन जो कि फनी बोन है, जो कि फेमस पॉलिटिशियन है, वो कंट्री के अगेंस्ट बात करते हैं. बेसिकली इनका स्पीच इस टाइप का है कि कंट्री का विभाजन हो, लोग दो गुट में बढ़ जाएं, सो दैट इज ऑब्वियसली थ्रेट टू दैट कंट्री. सो द आंसर विल बी ए. इट अपीयर्स दैट फनी बोन्स स्पीच थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड हेंस द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज वैलिड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57. लड़ाकू शैतान इज अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर एंड इज हेंस टेकन इनटू प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन 8 जनवरी 2020. तो जो लड़ाकू शैतान है उसमें मेंशन किया गया थ्रेट टू ए पब्लिक ऑर्डर के लिए ये थ्रेट है, एंड हेंस ही इज टेकन इनटू प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन 8 जनवरी 2020. तो 8 जनवरी को उसको अरेस्ट किया जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो उसको डिटेन किया जाता है, राइट. ही इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन 10 जनवरी 2020. तो वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 2 दिन बाद, मतलब कि 48 घंटे बाद. एंड स्टेट्स दैट ही हैज बीन डिनाइड द राइट टू प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. डिसाइड, तो सबसे पहले ऊपर में ही लाइन में लिख दिया गया है कि ये जो 24 आवर्स वाला जो राइट है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में फॉलो नहीं किया जा सकता है. सो द आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट एज ही हैज बीन प्रिवेंटली डिटेन. सो द आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 58. इन द अबव केस लड़ाकू इज रिलीज ऑन 9th अप्रैल. अगर लड़ाकू को 9th अप्रैल को रिलीज कर दिया जाता है, ओके, 8 को डिटेन किया गया और 9 को रिलीज कर दिया जाता है अलॉन्ग विद सम अदर डिटेनीज ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग का कंसर्न है, इसीलिए कुछ अदर डिटेनीज के साथ लड़ाकू को भी रिलीज कर दिया जाता है. ही इमिडिएटली फाइल्स अ केस अगेंस्ट हिज डिटेंशन. तो वो क्या कर देता है कि उस डिटेंशन के लिए केस कर देता है. डिसाइड, तो सबसे पहली चीज, अगर कोई फैक्ट दे दिया है ना, तो हम लोग ये प्रिज्यूम करके चलेंगे वो फैक्ट सही है, राइट. हमें ये नहीं देखना है कि वो कैसे प्रूव करे कि वो पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट था या नहीं था. हम ये मानकर चलेंगे कि ये जो फैक्ट है ये प्रूवन है, राइट. और इसी के बेसिस पर हमें बस क्वेश्चन करना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं जाना होता है हमें. तो उसी के बेसिस पर जो अगर लड़ाकू डिटेंशन के अगेंस्ट अगर केस करता है तो ही विल नॉट सक्सीड, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज उसके अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट थ्रेट उसको माना गया है. सो द आंसर विल बी डी. लड़ाकू विल नॉट सक्सीड बिकॉज द ग्राउंड फॉर इट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन आर वैलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. रमेश स्टोल ए वॉच एंड वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. दिस इज
ऑब्वियसली बात है कि ऑफेंस होने के बाद अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 16, नरेश वॉज नोन टू हैव बीन इन्वॉल्व इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग मेनी इयर्स अगो बट नाउ वर्क्ड इन कॉर्पोरेट ऑफिस। वन डे द पुलिस गॉट एन एनोनिमस टिप ऑफ दैट नरेश वॉज गोइंग टू किडनैप ए चाइल्ड दैट नाइट एंड सो दे अरेस्टेड नरेश फ्रॉम हिज ऑफिस। नरेश आस्क्ड व्हाई ही वॉज बीइंग अरेस्टेड टू विच ही वॉज टोल्ड टू कीप क्वाइट बाय द पुलिस। नरेश चैलेंज्ड हिज अरेस्ट डिसाइड। अब इसमें क्या होता है कि नरेश को पहले जाना जाता था कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहता था, वो भी प्रूवन नहीं था। नरेश वॉज नोन टू हैव बीन इन्वॉल्व, राइट। तो यहाँ पर क्या कि उसका नाम आता था चाइल्ड ट्रैफिकिंग में और बट नाउ वर्क इन ए कॉर्पोरेट ऑफिस, तो कुछ बहुत साल पहले उसका नाम आया था बट अभी वो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। वन डे द पुलिस गॉट एन एनोनिमस टिप ऑफ, तो दूसरा मिसलीडिंग फैक्ट क्या है यहाँ पर आपको मिसलीड करने के लिए कि टिप ऑफ के बेसिस पर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब कोई इन्फॉर्मर होता है पुलिस का, वो आकर के इसको बता देता है कि नरेश ही हो सकता है इसके पीछे, है ना, तो उसके बेसिस पर नरेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या ये ग्राउंड सही है? और नरेश इस अरेस्ट को चैलेंज करता है, तो अब इसमें क्या होना चाहिए? तो जब तक कि किसी पर्सन के अगेंस्ट जो एविडेंसेस है वो प्रूफ नहीं हो जाते हैं तब तक किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक वो कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड थ्रेट ना हो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे थे, उसका नाम बहुत साल पहले आया था और एक टिप ऑफ मिला था पुलिस को, उसके बेसिस पर इसको अरेस्ट कर लिया गया था। सो द आंसर विल बी सी, बिकॉज की एविडेंसेस प्रॉपरली प्रूवन नहीं है। सो द आंसर विल बी सी, द ग्राउंड्स ऑन विच द नरेश वॉज प्रिवेंटिव डिटेन आर इनवैलिड। ओके, पैसेज टू बात करता है कॉन्स्पिरेसी से और अबेटमेंट से। तो कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे को कॉन्स्पायर करते हैं, मतलब कुछ एक गलत काम करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप को फॉर्म करते हैं, है ना, व्हेन टू और मोर पर्सन्स जॉइन ईच अदर, तो क्या करने के लिए, किसी एक कॉमन इंटेंशन पर काम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी। और उसी के साथ अबेटमेंट की बात की गई कि एक पर्सन किसी सामने वाले पर्सन को उकसाता है कुछ ऑफेंस करने के लिए, तो वो उतना ही जिम्मेदार होता है ऑफेंस होने के बाद जितना कि जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट है अबेटिंग और कॉन्स्पिरेसी का। और इसमें ये भी बताया गया है कि तीन तरीके से आप किसी पर्सन को अबेट कर सकते हो, बाय इंस्टिगेशन, बाय एंगेजिंग विद अनदर पर्सन एंड थर्ड बाय इंटेंशनली एडिंग। ओके, अब चलते सीधे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 61। द कोर्ट ऑर्डर ए टू अरेस्ट बी फॉर थेफ्ट। कोर्ट ने ए को ऑर्डर दिया कि आप बी को अरेस्ट करके लाओ फॉर द थेफ्ट। हो सकता है कि ए पुलिस वाला हो, वो गया। व्हेन ए सेट आउट टू अरेस्ट, ए जब जाता है अरेस्ट करने के लिए, ही वॉज अनेबल टू लोकेट हिज प्लेस। बी का उसे पता मालूम नहीं था, वो सी से पूछता है, बट हेंस सीइंग हिम बी वाइल्डर्ड सी इन्फॉर्म्स दैट Informs in that D is B, तो C उसको बताता है कि D ही B है ना। तो A जाता है B को पकड़ने के लिए और वो जब C से पूछता है तो C उस D की तरफ इशारा करके बोलता है कि D ही क्या है, B है। ओके, डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज नॉट द सेम, और उसको ये नॉलेज है कि वो पर्सन नहीं है। ओके, अंडर दिस मिस इंटरप्रिटेशन A arrested D. What is the further course of action? तो A D को अरेस्ट कर लेता है B समझकर, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो C है, क्या C ने A को अबेट किया है ताकि वो D को B समझ करके अरेस्ट कर ले और B बच जाए? क्या उसका इंटेंशन ऐसा था? मानो ऐसा है तो यहाँ पर तो अबेटमेंट तो हुई है, सो द आंसर विल बी बी, बिकॉज सी इज लायबल फॉर अबेटिंग ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। द इन लॉज ऑफ एक्स कॉन्स्टेंटली टॉन्ट, तो एक्स कोई एक फीमेल होती है, उसके जो इन लॉज हैं वो उसको हमेशा ताना मारते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं एंड अब्यूजेस हर फॉर बींग पुअर, और उसके पुअर होने के बारे में बहुत सारे बातें करते रहते हैं, उसको अब्यूज करते हैं। वन डे हर हस्बैंड वाइफ फॉट विथ हर एंड लेफ्ट। एक दिन क्या होता है कि उसका जो हस्बैंड है वाइफ, वो उससे लड़ाई करके और वो चला जाता है। एज ए रिजल्ट एक्स कमिटेड सुसाइड। हु इज आर एक्यूज,
कौन यहाँ पर एक्यूज है, अब बताइए, क्या उसका हस्बैंड एक्यूज है या फिर उसके इन लॉज एक्यूज हैं जो कि हमेशा उसको टॉर्चर करते रहते हैं। अब यहाँ पर उसके सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है उसके इन लॉज को, बिकॉज उनका कंटिन्यूस टॉर्चर यहाँ पर बताया गया है, कॉन्स्टेंट टॉर्चर। तो उसी के टॉर्चर के बेसिस पर, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन कोई एक पर्सन, जैसे क्या होता है कि एक कोई लेडी है मानो, और उसके साथ कोई उसके इन लॉज जो है टॉर्चर करते रहते हैं, है ना। एक दिन क्या हुए कि सभी उसको मूवी दिखाने ले जाएं और वो क्या करे कि वो उसी दिन सुसाइड कर लेती है, तो क्या उसके इन लॉज ये बोल सकते हैं कि हमने जो इसको टॉर्चर किया था वो एक हफ्ते पहले किया था, राइट। आज तो हम लोग इसको मूवी भी दिखा कर लाए हैं, सो हेंस वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सुसाइड, ऐसा वो क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा वो मतलब क्लेम नहीं ले सकते, समझ आया। क्योंकि जो टॉर्चर है ना वो मेंटल टॉर्चर से रिलेट करता है और मेंटल टॉर्चर का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो बेसिकली द आंसर विल बी सी, द इन लॉज बिकॉज दे कंस्पायर टू अबेट हर, ओके। तो सबसे ज्यादा इसमें लायबिलिटी इन लॉज की होगी। क्वेश्चन नंबर 63, एक्स हैज रेप्ड वाई एंड इज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द पुलिस, एक्स ने वाई का रेप कर दिया और वो पुलिस से भाग रहा है। सडनली इट इज स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, hence he got wet and sought help from couple A and B. वो A B जो कपल है उनसे हेल्प मांगता है। By staying at their deserted home, they provided him with clothing and pudding. Later on, A and B were accused of abandonment. Will they be held liable? अब क्या वो liable होंगे? उसकी मदद करते हैं तो उन्हें वो पता नहीं था कि वो जो person है वो rapist है, सबसे पहली चीज, और उसको kind gesture से उसको clothing और pudding दे रहे हैं, तो ये क्या abandonment हुआ By aiding, तो यहाँ पर अबेटमेंट नहीं हुआ। अगर उनको पता होता कि ये पर्सन जो है ऑफेंडर है, ऑफेंस करके भागा हुआ है, डिजर्टेड है, तो फिर वो क्या कर लेते, तो फिर वो एज ए अबेटर काउंट किए जाते या फिर एज ए हार्बर काउंट किए जाते, बट यहाँ पर इसकी इनकी कोई गलती नहीं क्योंकि इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ओके। सो द आंसर विल बी नो बिकॉज दे मेयरली गिव हिम फूड एंड क्लॉथ्स, व्हाट इज नॉट पनिशेबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 64, ए इंसिगेट मेंटली डिस्टर्ब एक्स, तो ए किसको इंसिगेट करता है, एक कोई पागल इंसान है जो कि एक्स है, टू स्टैब वाई, वाई को स्टैब करने के लिए विद नाइफ इन ऑर्डर टू सीक रिवेंज फ्रॉम हिम फॉर इंसल्टिंग हिम इन देयर फैमिली फंक्शन। द एक्स अटेम्प्टेड टू किल हिम, तो एक्स क्या करता है, अटेम्प्ट करता है उसको मारने की, वाई को मारने की, बट कुड नॉट मैनेज टू किल हिम, लेकिन वो मारने में समर्थ नहीं रहा, नहीं मार पाया। Who is guilty of crime? अब यहाँ पर क्राइम के लिए कौन गिल्टी होगा, तो सबसे पहली चीज कि एक्स की तो यहाँ पर लाइबिलिटी ही नहीं बनती क्योंकि वो जो पर्सन है वो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है। अगर कोई आप छोटे बच्चे का फायदा उठा करके, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन का फायदा उठा करके और आप कोई ऑफेंस करवाने की कोशिश करते हो तो आप ही लायबल होंगे, उस पर्सन की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। सो द आंसर बी ए, ए इज द एबिटर, राइट। उस पागल इंसान को क्या कोई थॉट आएगा या फिर उसका मेंटल एबिलिटी जिसका काम ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या सोचने समझने के लिए असमर्थ होगा, इसीलिए ए की यहाँ पर गलती होगी। क्वेश्चन नंबर 65, ए मेड बी बिलीव दैट बैग विथ वॉच बिलोंग टू हिम, तो ए बी को बिलीव दिलवाते हैं कि ये पीछे जो घड़ी है ना ये तुम्हारी ही है, राइट, एक्चुअली बिलोंग्स टू जेड, जो कि जेड की थी एग्जैक्टली। तो मैं किसी को बिलीव दिलवाऊं कि ये तुम्हारी है, लेकर जाना ये तो तुम्हारी ही है, तो दैट मीन्स कि मैं उस पर्सन को थेप्ट के लिए अबेट करूं। सो द आंसर विल बी ए हैज अबेटेड थेप्ट। पैसेज 3 पर आते हैं, ए इज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एट एमएनओ रिसर्च सेंटर, ही हैज बीन असाइंड टू रिसर्चर्स एम एंड एन टू असिस्ट हिम इन कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पर जो एम और एन है वो उनको असिस्ट कर रहे हैं जो कि ए है। Nowadays, he is experimenting with some radioactive substances. वो क्या कर रहे हैं कि radioactive substances पर experiment कर रहे हैं to detect their effect on the ground growth of crops. कि growth जो crops grow हो रहे हैं उन पर radioactive effect कैसा पड़ता है, उसके effect को जानने के लिए। He disposed of the plants he used for the test in he dumpster and neighborhood park. और वो क्या कर देते हैं, plant को dispose of कर देते हैं। Though he knows that strict liability is imposed when somebody creates an abnormally dangerous condition or performs ultra hazardous activities and something goes wrong that causes an injury to another person, वो क्या कहलाता है भाई, strict liability कहलाता है कि अगर आप
अपने प्रेमाइसिस में कोई हैजार्डस सब्सटेंस क्या करते हो, लाते हो राइट, और उसको रखते हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके प्रेमाइसिस से स्किप ना करें। साथ ही साथ अगर वो किसी पर्सन को स्किप करके इंजरी कर देता है अदर इंडिविजुअल को, तो आपकी सोली लाइबिलिटी होती है और आप लाइबल होंगे स्ट्रिक्टली, तो इसी को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं। ओके, और साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बेसिकली इंडस्ट्रीज और इंटरप्राइजेस पर अप्लाई किए जाते हैं, और जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअल्स पर अप्लाई किए जाते हैं। ओके, तो इसी से रिलेटेड है। अब इसी में ये भी बता दिया कि कोई एक पर्सन है जो कि डॉग रखता है, और वो जो डॉग है उसकी टेंडेंसी है अटैक एंड बाइट पीपल, दैट मीन्स ही इज दैट डॉग इज फ्यूरियस। तो अब उसको आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप एक वार्निंग साइन लगाओगे कि अंदर कुत्ता है, सावधानी बरतें। तो ऐसे वार्निंग साइंस अगर नहीं है तो आपके बिहाफ पर क्या है, फॉल्ट है, नेग्लिजेंस है, इसके बेसिस पर बताया गया है। फिर नेक्स्ट पैरा जो है, नेक्स्ट पैरा बात करता है वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में। लीगल मैक्सिम हमने पढ़ाई है, रिस्पॉन्डेड सुपीरियर, लेट द सुपीरियर बी हेल्ड लाइबल, जो आपको कमांड करता है उसकी लाइबिलिटी होती है। ओके, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 66। ऑन वन संडे फ्यू चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द पार्क एंड वन ऑफ देम एक्सीडेंटली नॉक्ड अप द डंपस्टर। एक क्या हो गया कि डंपस्टर में गिर गया। द चिल्ड्रन बिगेन टू कफ एज फ्यूम्स फ्रॉम द प्लांट्स ए हैड डिस्कार्डेड वेयर इनहेल्ड बाय देम। और क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है वो क्या करने लग जाते, खांसना शुरू कर देते हैं राइट, क्योंकि वहां पर जो प्लांट ए है वहां से कुछ फ्यूम्स निकल रहे थे जिसको कि बच्चों ने इनहेल कर लिया था। द नेवर सूड हिम फॉर, तो नेवर ने सू किया किस पर, जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे। ओके, तो सो द आंसर विल बी ए, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉलो किया जाएगा। क्यों भाई, आप अपने प्रेमाइसेस में अगर कोई हैजार्डस चीज लाते हो तो सबसे पहली चीज कि आप उस पर क्या करोगे, आप उस पर उसके लिए मतलब सही तरीके से एस्टेब्लिश करोगे, अगर करते भी हो तो बहुत सारे प्रिकॉशंस रखोगे, और अगर वो आपकी प्रिमाइसेस से बाहर जाके किसी को इंजरी करता है तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिचुएशन अराइज हो जाता है। सो हेंस दैट पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। सो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। व्हेन द सोसाइटी वेलफेयर ऑफिसर बी वेंट टू एज हाउस टू स्पीक टू हिम विथ रिगार्डिंग हिज नेग्लिजेंस। तो जो सोसाइटी का जो वेलफेयर ऑफिसर है बी, ए के घर जाता है कि उससे इस नेग्लिजेंस के बारे में बात करने। हिज पेट बिट हिम, तो उसका जो कुत्ता था वो उसे काट लेता है। विल ए बी लाइबल फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्या ए लाइबल होगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए? यस, बिकॉज जो डॉग है, डॉग को आप बांध कर रखेंगे, आपको पता है ना कि उसकी प्रवृत्ति है काटने की, किसी को दौड़ाने की, तो आप उसको बांध कर रखेंगे राइट, उसको सही तरीके से रखेंगे ताकि आपके घर में कोई पर्सन इंटर करता है, या फिर नोटिस बोर्ड लगाएंगे, साइन बोर्ड लगाएंगे, वार्निंग साइन देंगे राइट। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। सो द आंसर विल बी यस, बिकॉज डॉग्स डज नॉट हैव कंसाइंस, जैसे कि पैसेज में भी दिया हुआ है, एंड ही हैड ए ड्यूटी टू अवॉइड द हार्म। तो उसकी ड्यूटी हो जाती है कि हार्म को अवॉइड करना। यहाँ तक कि अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और शॉपकीपर ने अभी तुरंत तुरंत मॉपिंग की है तो पोछा लगाया है और आप गए और आप फिसल गए, तो यहाँ पर क्या लाइबिलिटी बनेगी उस पर्सन की नेग्लिजेंस के लिए? हाँ जी, बनती है यहाँ पर लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की ड्यूटी थी कि साइन बोर्ड लगाए कि द वेट इज स्लो। अगर उसने नहीं लगाया और आप जाते हो और आपका आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो वो पर्सन जो शॉपकीपर है वो लाइबल होगा इस नेग्लिजेंस के लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। आफ्टर द डॉग बिट बी, बी को कुत्ते ने तो काट लिया, एम एंड एन वेंट टू द ब्रिंग इन टू वेंट टू ब्रिंग फर्स्ट एड बॉक्स फॉर हिम from the first stools as they were in haste, they dropped the box on B's head while coming downstairs। तो एक तो गुड फेट में काम कर रहे थे, फर्स्ट एड बॉक्स लाने गए थे। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो आंसर है बी विल सू ए, ये तो सबसे ही गलत चीज है कि उसी के लिए तो फर्स्ट एड बॉक्स लाने गए थे ना। और दूसरा सिचुएशन ये भी है कि माइनर इंजरी हुई है, तो जो लॉ है माइनर चीजों को कंसर्न नहीं करता है, माइनर चीजों को एंटरटेन नहीं करता है। सो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द माइनर रॉन्ग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 69। बी सन एक जंप्स इन एज बैकयार्ड एट नाइट टू किल द एस्लिप डॉग ऑन लिस्ट। अब पापा को तो कुत्ता काटा है, तो उनका जो बेटा है वो डॉग की जान लेने जाते हैं।
इन द मीन टाइम द डॉग बिट ऑफ हिज फिंगर्स, और उसी में क्या होता है कि डॉग उसको काट लेता है, उसकी फिंगर्स को काट लेता है. विल ए बी स्ट्रिक्टली लायबल इन दिस केस. अब यहाँ पर ए क्यों स्ट्रिक्टली लायबल होगा, आप जंप कर रहे हो वो भी बैकयार्ड से, एक तो गलत तरीके से जा रहे हो है ना, तो यहाँ पर जो ट्रेसपासर है वो खुद ही मिस्टेक पर है, तो जो अदर पार्टी है वो खुद ही मिस्टेक कर रही है, तो यहाँ पर सामने वाली पार्टी की जो डिफेंडेंट होगा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है. ओके ओके जी. तो प्लेंटिफ का यहाँ पर खुद ही गलत, प्लेंटिफ के भी यहाँ पर खुद ही यहाँ पर रॉन्ग है. ओके सो द आंसर विल बी नो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. ए गिव रुपीज 50,000 टू एम टू पे द फाइन फॉर हिज एक्ट इन द कोर्ट. तो ए जो कि एम का फ्रेंड है और एम कोर्ट में काम भी करता है राइट, और ए पर जो कि 50,000 का फाइन लगा था तो उसने एम को ही दे दिया, तुम ही जाकर कोर्ट में क्या कर देना, फाइन को सबमिट कर देना. एच वर्क्स इन द कोर्ट, हेंस एम. ओके एम वर्क्स इन द कोर्ट, यहाँ पर एम होना चाहिए. एम वर्क्स इन द कोर्ट, हेंस एम गेव द अमाउंट टू हिम टू सबमिट. ओके 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 तो ए एम को देता है पे करने के लिए फाइन, और जो एच कोर्ट में काम करता है तो एम एच को दे देता है कि आप चले जाना. ओके सो द फैक्ट इज दिस, तो यहाँ पर एम गिव द अमाउंट टू हिम टू सबमिट इन द कोर्ट, हाउएवर एच डिड नॉट पे द सम इन द कोर्ट, हु लायबल फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन. ऑब्वियसली बात है कि ए लायबल होना चाहिए क्योंकि ए की ड्यूटी थी, तो द आंसर विल बी डी, ए बिकॉज ऑफ ही इज द प्रिंसिपल एंड एम हिज एजेंट राइट. अब नेक्स्ट इज पैसेज फोर डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 19 and 21, और ये बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट की, जो कि गिवन है सेक्शन 339 and 340 में, और ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या फ़र्क होता है. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एक डायरेक्शन में किसी पर्सन को मूव करने से रिस्ट्रेंट किया जाता है, दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, एंड बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेंट किया जाता है, दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. मतलब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा जाता है कि ताकि आप एस्केप कर पाओ राइट. तो इसी से रिलेटेड है. अब देखते हैं सेक्शन 71 क्या बोल रहे हैं. एक्स एंड वाई जॉइंटली ओन्स ए ट्रैक्टर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. दोनों ही ट्रैक्टर मिलकर खरीदते हैं. वाई नेग्लिजेंटली ड्रोव द ट्रैक्टर एंड मेड विद एन एक्सीडेंट. वाई नेग्लिजेंटली क्या कर देता है कि एक्सीडेंट करवा देता है ट्रैक्टर का. तो ट्रैक्टर में जो भी पैसे लगते हैं दोनों मिलकर के पे करते हैं. एज ए रिजल्ट एक्स स्टॉप्ड वाई फ्रॉम यूजिंग इट. एक्स वाई को यूज करने से मना कर देता है. लेटर वाई सूज इट. Will he succeed? Yes, he will succeed because he has wrongfully restrained. Confinement नहीं होगा यहाँ पर है ना, beyond certain circumscribing limit नहीं. So the answer will be A, question number 71 का. The next question is, A is a gynecologist and has not received his salary for 6 months. तो उसको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है. When his superior officer B visited the office and started back to go, द ए स्टूड इन फ्रंट ऑफ जी एंड रेज प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हिज सैलरी. और वो क्या कर देता है कि प्रोटेस्ट कर देता है. एंड आफ्टर हिज प्रोटेस्ट ही हैड गिवन द वे टू जी. ए इज अक्यूज ऑफ रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग बी. तो सबसे पहली चीज मैं ये बता दूँ आपको, आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम दिया जाता है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी आर्म्स. तो ये तो राइट उसका राइट है और राइटियस वे में कर रहा है. सो द आंसर विल बी बी बिकॉज ए गिल्टी नहीं माना जाएगा, वो बस प्रोटेस्ट कर रहा है विदाउट एनी आर्म. यहाँ पर आर्म का भी जिक्र नहीं है क्योंकि वो अपने राइट की डिमांड कर रहा है. सो द आंसर विल बी बी ए इज नॉट गिल्टी बिकॉज ही हैज फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अंडर आर्टिकल 19. क्वेश्चन नंबर 73 क्या है. गब्बर्स डॉटर इज 15 ईयर ओल्ड एंड वीरू हैज किडनैप्ड हर. वीरू क्या कर लेता है कि उसको किडनैप कर लेता है. सो गब्बर प्लेसेस मेन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ ए बिल्डिंग एंड टेल्स वीरू दैट दे विल फायर एट हिम विथ ही अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग. तो बोला जाता है ना कि मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है. वो क्या है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो किसी भी एरिया से स्केप कर जाए. सो द आंसर विल बी सी बिकॉज द गब्बर हैज रॉन्गफुली कन्फाइंड वीरू. क्वेश्चन नंबर 74. व्हेन आलिया वॉज वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर ऑफ पुलिस स्टेशन, वरुण द सब इंस्पेक्टर स्टॉप्ड हर बाय स्टैंडिंग इन हर वे एंड प्रपोज हर टू मैरी हिम. वो क्या कर लेता है कि वो रास्ते में उसको रोक लेता है और फिर
उसको प्रपोज करने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा? कन्फाइनमेंट तो नहीं होगा लेकिन रिस्ट्रेन जरूर होगा, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन में मूव करने से क्या कर रहा है कि उसको रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है। सो द आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 75, पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ए लॉ इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट एट पब्लिक पार्क, राइट? लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जेड ब्लॉक्ड एवरी एग्जिट ऑफ द पार्क सो एज टू प्रिवेंट द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एस्केपिंग एंड ओपन द टियर गैस। तो पब्लिक पार्क में प्रोटेस्ट चल रहा था और उन्होंने क्या कर दिया, सारे एग्जिट रास्ते को बंद करवा दिया ताकि जो प्रोटेस्टर हैं भाग न जाए और उन पर टियर गैस चलवा दें। सो द आंसर विल बी कन्फाइनमेंट में ही आंसर होगा, क्योंकि उनको चारों तरफ से घेर कर रखा गया, बंद कर दिया गया है, बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, कि मतलब कोई भी एक डायरेक्शन नहीं छोड़ा गया उनको स्किप करने के लिए। सो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट पैसेज है पैसेज फाइव क्या है भाई? प्रेसिडेंट आर्ची एंड हु इज प्रेसिडेंट ऑफ बीमारिका और पेड ए विजिट टू चिंदिया, तो चिंदिया जा रहे होते विजिट पर। ही वेंट टू विजिट टास फेयरवेल विथ हिज वाइफ मिस डायना, तो मिस डायना के साथ जाते हैं। दे वेयर एकम्पनीड बाई मिस्टर रिचर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चिंदिया, तो चिंदिया के प्राइम मिनिस्टर से वो मिलते हैं मिस्टर रिचर्ड से। हाउ एवर इट वॉज लेटर फाउंड दैट ड्यूरिंग द विजिट टू ताज फेयरवेल के विजिट के टाइम इज विच इज जनरली कंसिडर ए सिंबल ऑफ लव, मिस्टर रिचर्ड एंड मिस्टर डायना वर फर्स्ट फाउंड इन कम्प्रोमाइजिंग पोजिशन, मतलब कि वो कुछ गलत सिचुएशन में पाए गए एंड द सून आफ्टर गॉट मैरिड इन ए सेरेमनी एट द सेम वेन्यू, और वो तुरंत ही शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट आर्ची वॉज ए लिविड एंड ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ बोथ मिस्टर रिचर्ड एंड मिस डायना एंड आफ्टर कीपिंग द पेयर अंडर अरेस्ट ऑफ ए फ्यू डेज प्रेसिडेंट आर्ची शॉट देम बोथ इन हेड, तो वो जो प्रेसिडेंट आर्ची हैं वो उन दोनों को जान से मार देते हैं। ओके, अब इसमें बिगेमी से रिलेटेड लॉ बताया गया है। तो बिगेमी क्या होता है? बिगेमी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पेनल कोड, प्रोवाइड्स दैट ए पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल की सजा हो सकती है इफ ही और सी मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ देयर स्पाउस। तो अगर कोई पर्सन जो कि जिसका पति या फिर जिसकी पत्नी जिंदा है और उसके लाइफ टाइम, मतलब वो अभी जिंदा है और फिर भी आप शादी कर लेते हो, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगेमी। ओके, यही बात की जाती है। अब सेक्शन 497, सेक्शन 300 मर्डर के बारे में बताया जा रहा है, एडल्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, एडल्ट्री इज नो मोर ऑफेंस, राइट? अब चलते क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 बोलता है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द गिवन पैसेज कैन मिस डायना बी कन्विक्टेड अंडर द इंडियन पिनल कोड, तो क्या किसी भी जो यहाँ पर सेक्शन 494 है फॉर बिगेमी, 497 है, 300 है मर्डर के लिए, तो मर्डर के लिए तो नहीं होंगी, मर्डर तो हुआ नहीं, एडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं है, तो वो लाइबल हो भी सकती है। किसके लिए होंगी? 494 में फॉर द बिगेमी, क्योंकि उनके हस्बैंड अभी जिंदा है और फिर भी उन्होंने मिस्टर रिचर्ड से शादी कर ली। सो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द गिवन पैसेज कैन मिस्टर रिचर्ड बी कन्विक्टेड अंडर इंडियन पिनल कोड, क्या मिस्टर रिचर्ड कन्विक्ट हो सकते हैं? तो उन्होंने एडल्ट्री ऑफ ऑफेंस रहा नहीं, उनकी कोई वाइफ है नहीं, तो बिगेमी के लिए भी वो लाइबल नहीं हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है। तो क्या वो लाइबल होंगे? तो द आंसर विल बी डी, मिस्टर रिचर्ड कैन नॉट बी कन्विक्टेड अंडर इधर सेक्शन 497 और 494। 78 क्या बोल रहा है? सपोज प्रेसिडेंट आर्ची एंड फर्स्ट लेडी मिस वैलरी हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड गॉट डिवोर्स जस्ट प्रायर टू विजिटिंग ताज फेवल, तो अगर उनका डिवोर्स हो जाता तो ताज फेवल पर जाने से पहले, और फिर मिस जो फर्स्ट लेडी है मिस वैलरी फिर वो शादी करती, तो फिर क्या होता? सेट आउट इन द पैसेज कंटिन्यू टू बी ट्रू, कुड मिस्टर रिचर्ड बी कन्विक्टेड ऑफ एडल्ट्री अंडर द इंडियन पिनल कोड, तो फिर भी एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है ना भाई, तो उसी से रिलेटेड बात किया जा रहा है, तो ये डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है बट ऑफेंस नहीं है। सो द आंसर विल बी नो, बिकॉज इन एनी केस एडल्ट्री इज नो ऑफेंस, नॉट एन ऑफेंस। ओके, 79, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द गिवन पैसेज कैन प्रेसिडेंट आर्ची बी कन्विक्टेड अंडर द इंडियन पिनल कोड, बताइए जो मिस्टर आर्ची हैं, प्रेसिडेंट आर्ची हैं, क्या वो कन्विक्ट हो सकते हैं? इसमें ऑप्शन क्या है? नो मिस डायना एंड मिस रिचर्ड गॉट व्हाट दे डिजर्व, नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर होगा यस में ही, यस बट ही कैन स्टिल फाइल फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एडल्ट्री, यस। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए कि
जो 79 क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 79, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन इज डी। क्यों भाई? तो यहाँ पर जो पर्सन थे प्रेसिडेंट आर्ची, उनका जो एक्शन था प्री मीडिएटेड था, बिकॉज क्योंकि उन्होंने पहले अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने उनको उनकी डेथ कॉज की, राइट। इसीलिए ये जो एक्शन है प्री मेडिटेटेड है, ना कि सडन प्रोवोकेशन है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ये नहीं है, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता तो इंस्टेंट जो भी चीज़ें होती हैं तो इंस्टेंट उसमें आ करके और कोई भी पर्सन किसी सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करते, जबकि सामने वाले से कोई प्रोवोकेशन आया हो तो फिर उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मानते हैं। यहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है, और सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी से भी बेटर ऑप्शन डी है, इसलिए डी होगा। इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, प्रेसिडेंट आर्ची हैज एन एक्सटर्नल अफेयर विद मिस्टर रिचार्ड्स वाइफ, विच क्राइम इज प्रेसिडेंट आर्ची गिल्टी ऑफ। तो वहाँ पर शादी नहीं कर रहे तो बेगिविन ही होगा, वो क्या करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हैं, तो एडल्ट्री भी नहीं है क्योंकि अब ऑफेंस नहीं है, ये बस डिवोर्स का ग्राउंड बनकर रह गया है, इसीलिए सो द आंसर बी डी, नन ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट पैसेज क्या बात करता है, पैसेज 6 बात करता है रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, कि अगर रूल ऑफ लॉ होता तो किस तरीके से हम लोग चीज़ों को टैकल करते। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स कि नो वन इज अबव द लॉ, तो कोई भी पर्सन है लॉ के ऊपर नहीं ट्रीट किया जाएगा। कहीं भी किसी भी कंट्री में जहाँ पर रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि लॉ के ही रूल को फॉलो करवाया जाता है ना, कि वहाँ पर किंग का रूल नहीं चलता है। सबसे पहले क्या चलता था, किंग कैन डू नो रॉन्ग, अब वही जो ऑर्डर देगा उसी को फॉलो करवाया जाएगा, बट अब हम लोग क्या फॉलो करते हैं, रूल ऑफ लॉ को, सो नो वन इज अबव द लॉ, तो कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। इसी के बेसिस पर दिया गया है व्हाट इज लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग क्या है, इट इज थिंकिंग लाइक ए लॉयर। लीगल रीजनिंग बेसिकली ये है कि कोई एक पर्सन रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन है, तो अगर उसके सामने कोई सिचुएशन रख दिया जाए तो वो क्या एनालिसिस लेगा कि उसका किस तरीके का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ये है लीगल रीजनिंग। कोई एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन क्या कर सकता है, और लेकिन लॉ को परव्यू में रखते हुए, लॉ को दिमाग में रखते हुए वो क्या एक्शन लेता है इसके बेसिस पर, दैट इज लीगल रीजनिंग, राइट। तो इसी पर बेस पैसेज दिया गया है, तो सीधे चलते क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रूल ऑफ लॉ गेटिंग इन द वे। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया, स्पीड लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एम्प्टी हाईवे। तो अगर कोई लॉ बनाया गया है कि स्पीड लिमिट मतलब जो खाली हाईवे है उस पर 50 किलोमीटर पर आवर चला सकते हैं, इक्वल पोर्शंस ऑफ मिड डे मील टू स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो एज के इरेस्पेक्टिव सबको इक्वल पोर्शन ऑफ मिड डे मील देना चाहिए, सो द आंसर विल बी सी। दोनों ही जो ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ को क्या करता है कि उसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, सो द आंसर विल बी सी। 82 मिस्टर डेविड इज ए फिलोसोफर किंग गवर्निंग द किंगडम ऑफ रशिया वेयर द रूल ऑफ लॉ स्टेट्स दैट पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग इज डेथ। वहां का रूल ऑफ लॉ क्या है कि डेथ के लिए स्टीलिंग के लिए, थेफ्ट के लिए डेथ पनिशमेंट दी गई है। वन डे मिस्टर डेविड कैसेज ए स्टार्विंग 5-year-old बॉय जो कि एक भूखा था, और वो क्या करता है कि वो एक स्लाइस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द किचन चुराता है। वॉट एक्शन मस्ट मिस्टर डेविड टेक। तो यहाँ पर मिस्टर डेविड को कौन सा एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, तो जब रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जा रहा है तो। लेकिन एक और चीज है कि जो जज होता है ना, कि एकदम एज इट इज रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए बाइंड नहीं होता है। किसी पर्सन के पास रूल ऑफ लॉ है बट उसमें डिस्क्रिशन पावर भी होता है। तो अब ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो मिस्टर डेविड है वो लॉ द्वारा बाइंड नहीं है, तो उसके बेसिस पर अब यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है मिस्टर डेविड इज नॉट बाउंड टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ एंड कैन रिलीज द बॉय। और वो क्या कर सकते हैं कि वो बॉय को रिलीज कर सकते हैं द बॉय। सेकेंड ऑप्शन द बॉय मस्ट बी पुट टू डेथ, द रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल एंड नॉट द रूल ऑफ ह्यूमंस। तो ऐसा ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मिस्टर डेविड कैन रिलीज द बॉय ऑन द कंडीशन दैट ही डज नॉट टेल एनीवन। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें ऑप्शन चुनना है नन ऑफ द अबव एंड ए के बीच में। तो क्या मिस्टर
डेविड इज नॉट बाउंड टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ एंड कैन रिलीज द पॉय. ऐसा जरूरी नहीं है, जहां पर रूल ऑफ लॉ होता है वी आर बाउंड बाई रूल ऑफ लॉ. सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ द एबव. लेकिन अब यहाँ पर क्या भी है कि डिस्क्रिशन के बेसिस पर अगर हम लोग देखें कि अगर उस पर्सन के पास डिस्क्रिशन हो सकता है और वो अगर डिस्क्रिशन अप्लाई कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा है क्या है और वो भूखा था इसलिए उसने चोरी की, तो चोरी तो चोरी होती है, रूल ऑफ लॉ को तो फॉलो करना पड़ेगा. सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पर कोई बेस्ट ऑप्शन दिया नहीं है. क्वेश्चन नंबर 83. द सिटी ऑफ पंडवन इज ए प्लेस वेयर द रूल ऑफ लॉ इज पैरामाउंट. तो जहां पर रूल ऑफ लॉ क्या है कि उसको बहुत सही तरीके से फॉलो किया जाता है, पैरामाउंट है, उसके ऊपर कोई भी पर्सन को नहीं रखा जाता. इन फंड वन द लॉ स्टेट्स दैट ऑल मोटराइज्ड व्हीकल्स आर बैंड फ्रॉम पब्लिक पार्क्स. तो जितने भी मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं वो पब्लिक पार्क्स नहीं, पब्लिक पार्क से दूर ही रहेंगे, वहां तक के लिए बैन किया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैन, तो क्या बाइसिकल आता है मोटराइज व्हीकल में? नहीं. सो बाइसिकल फॉर टू डे फ्रेंड्स कॉम्पिटिटर्स, तो ये स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बेसिस पर आपको एनालाइज कर रहा है. तो सबसे पहले जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया था ना कि लीगल रीजनिंग क्या है, तो लीगल रीजनिंग के ही बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया गया है. अब यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर्स फॉर द डिसेबल्ड, तो ये क्या मोटराइज व्हीकल में आता है? आता है, बैटरी ऑपरेटेड है. सी क्या है? रोलर स्केट्स फॉर फिगर स्केटर्स, तो स्केटर्स कहीं भी मोटर व्हीकल में नहीं आता है. स्केट बोर्ड फॉर द फैंस ऑफ टोनी हॉक, तो ये भी नहीं आता है. सो द आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 84. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रूव द रूल ऑफ लॉ इज प्रेनिशियस. ओके, सो इसमें क्या बोला है कि कौन सा रूल ऑफ लॉ के लिए रूल ऑफ लॉ प्रेनिशियस है, इसके लिए प्रूफ नहीं करता है. सो द इसमें जो पैसेज है कि द रूल बैन्स पीपल फॉर बाइंग गन्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द कमिटिंग रॉबरीज, बट ड्यू टू दिस पीपल आर नॉट एबल टू डिफेंड देमसेल्फ व्हेन दे आर रॉब्ड. तो रूल ऑफ लॉ क्या करता है कि रूल बैन्स पीपल फ्रॉम, मतलब कि वो गन खरीद नहीं सकते. तो अगर रूल ऑफ लॉ है तो फिर वहां पर एक तो चीज है कि वो गन नहीं खरीद सकते हैं, दूसरी चीज की अब उनको रॉबर से सुरक्षा कौन दिलवाए, तो ऐसा भी है. बी क्या बोल रहा है? ए रूल बैन्स पीपल फ्रॉम सेलिंग शेयर्स विद इन मंथ ऑफ बाइंग देम टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, बट ड्यू टू दिस पीपल आर नॉट एबल टू कंडक्ट जेन्युइन ट्रांजेक्शन एंड सफर लॉसेस. सो यहां पर बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा. सो द आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 85. योर टीचर इज ए स्ट्रिक्ट बिलीवर इन रूल ऑफ लॉ. अगर आपका टीचर कोई है और वो स्ट्रिक्ट बिलीवर है रूल ऑफ लॉ में, तो रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि एज इट इज, जिस तरीके से दिया गया है उसको फॉलो करना ही करना है. लॉ के रूल को आप एक बार बन चुका है तो उसको आपको फॉलो करना ही करना है. ओके, सी सेज इन द क्लास आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, यू हैव टू सबमिट इट एट मिडनाइट और एल्स आई विल कॉल योर पेरेंट्स. अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो मैं आपके पेरेंट को कॉल करूंगी. यू आर रियली स्केयर्ड ऑफ टीचर एंड पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट सो दैट यू सबमिट द असाइनमेंट पॉजिटिवली एट 11 PM. वॉट हैपन्स नेक्स्ट? तो मिडनाइट क्या है, क्या बोला जा रहा है इसमें कि मिडनाइट तक आप होमवर्क कंप्लीट कर लो, नहीं तो मैं आपके पेरेंट को कॉल करूंगी. एंड ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है. और आप हार्डवर्क करते हो कि ताकि आपका होमवर्क 11 बजे तक कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं आपने लिखा कि 11 बजे तक होमवर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हमें आंसर करना है. सो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है योर टीचर कॉल्स यू टू कॉन्ग्रेचुलेट योर एफर्ट्स. तो टीचर क्या करते हैं कि आपके अब उसके आगे क्या होगा, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि आपका जो टीचर है वो कॉल करेगा कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, ऐसा कहीं है रूल ऑफ लॉ में ऐसा कोई मेंशन किया गया है? ऊपर जो पैसेज है वही उसमें जो कि टीचर ने बोला है कि आप या तो मिडनाइट तक होमवर्क को कंप्लीट करो, नहीं तो मैं आपके पेरेंट को कॉल करूंगी. तो या तो होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो आपके पेरेंट को कॉल किया जाएगा. तो यहाँ पर आप ये भी मेंशन नहीं किया गया कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, बस आप एफर्ट डाल रहे हो कि आपका कंप्लीट हो जाए. सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी बी, योर टीचर कॉल्स योर पेरेंट्स. अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आगे क्या होगा कि आपके पेरेंट को कॉल किया जाएगा, यही है लीगल रीजनिंग. तो लीगल रीजनिंग के बेसिस पर इस क्वेश्चन को रखा गया, क्वेश्चन नंबर 85. तो यही था, बहुत ही ईजी था आज का पेपर. तो देखिएगा और फिर आगे अच्छे से प्रिपरेशन करें, एग्जाम नियर बाई है तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से टेस्ट को दीजिए. ओके, थैंक यू सो मच.